नमस्कार सर। सर इसमें आपने कितने साल का पौधा हो गया है आपका? सर ये 16 साल का हो गया। 16 साल का पौधा हो गया सर। 16 साल के पौधे के हिसाब से सर आपकी मोटाई और लंबाई कितनी होगी आपकी अनुमानित? 30 से 35 फीट हो गई सर और 58 सेंटीमीटर हो गई। 58 सेंटीमीटर जी। सर आपके हाथ में ये फाइल है आपकी? ये फाइल बनवाई सर हमने जी कटवाने के लिए। कटवाने के सर आपको काटने की अनुमति मिल गई सर? मिल गई। आपको इसमें सर 217 पौधे की काटने की अनुमति है, है ना सर जी? ये ऑलरेडी आपको साफ साफ दिख रही है कि ये 217 पौधे की अनुमति किसान को दी गई है फॉरेस्ट विभाग के द्वारा। बिल्कुल। और इसमें सर आपका जो घन मीटर के हिसाब से हर एक पौधे का घोषवारा भी गोलाई प्रजाति भी निकाल के आपको कम्प्लीट दी गई। तो सर आपका ये पौधा कब कटेगा सर? ये सर 6 से 7 दिन में कट जाएगी। 6 से 7 दिन में आपका पौधा कट जाएगी। कट के सर आपका पौधा कहाँ पर जाएगा? ये डिपो जाएगा सर, चंदकेसर बांध। अच्छा, चंदकेसर बांध बांध डिपो में जाएगा, गवर्नमेंट में आप सेल आउट करेंगे जी सर। तो सर गवर्नमेंट के आधार पर जैसे आपको ये काटने के पूरा परमिशन दे दिया है, आप बोल रहे 6 से 7 दिन में आपका पौधा कट के चला जाएगा जी जी। तो सर आपने गवर्नमेंट ने आपको कुछ रेट भी निर्धारित दी होगी कि किस रेट में आपका पौधा सेल आउट होगा गवर्नमेंट? वहाँ पे 2 रेट है, सरकारी रेट और प्राइवेट भी जी। वहाँ पर सरकारी है 45,000 घन मीटर और प्राइवेट में 70 से 65,000। अच्छा, सरकारी रेट 45,000 रुपये घन मीटर जी सर। और जो प्राइवेट में अगर नीलामी करवाते तो 70,000 रुपये घन मीटर के हिसाब से आपको मिलेगा। आपकी जो पौधे कट जाएंगे उसके बाद जो लकड़ी आपका घोषवारा जितना भी आपका लकड़ी जितनी भी घन मीटर बनता है आपके इसमें घन मीटर भी निकाल के ऑलरेडी दिया है उसी आधार पर आपको लकड़ी बिकेगी। तो आप डायरेक्ट फॉरेस्ट गवर्नमेंट को दे रहे दे रहे सर, उधर में आप नीलामी पर रखेंगे? नीलामी जी सर। जी। और सर आपको इसको जैसे आपने जो पौधा लगाया जी, आपको इससे लगाने से कैसा लग रहा है? आप आज अपना पौधे का कटने का समय आ गया, आपके अंतर आत्मा में आपके अंदर एक ऐसी क्या फीलिंग आती है कि आपने कंपनी के द्वारा जो पौधा लगाया जी, उससे आप संतुष्ट हैं? आपको कुछ अर्निंग मिल रही है? मिल रही। इतना समय आपने दिया पौधों को तो उससे आपका लाभ होगा ना सर? लाभ होगा बिल्कुल। आप अपनी तरफ से किसानों को क्या जागरूक करना चाहेंगे, ऐसा काम या पेड़ पौधे लगाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया ग्रोथ है सर जी और अच्छे प्रॉफिट होगी। अच्छी प्रॉफिट होगी। हाँ, मतलब आप किसानों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि अगर ऐसी चीज है तो अपन को कॉमर्शियल पर्पज पर सागवान का पौधा शिव शक्ति कंपनी से लगाना चाहिए। और आपको इनपुट भी है। अब तो देखो सर आपने एक समय से लगा लिया। आपका पौधे कटने की स्थिति में आ गए आपके। सर ये नंबरिंग भी होगी सर? ये सर नंबरिंग कहाँ से? आपने करी के वन विभाग के आयुक्त अधिकारी आए तो उनने ही नंबरिंग करी जी। तो सभी पौधे पर सर नंबरिंग वो बन विभाग के कर्मचारी आकर के करते गए। इसी आधार से सर आपके सभी सारे पेड़ पे कंप्लीट कर दे सारे पेड़। हाँ। अभी आपका बस काटने के लिए है। अनुमति भी हो गई अपनी जी। थैंक यू सर, धन्यवाद।